रानीगंज के सेनको गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती के तार अब सिवान के पूर्व बाहुबली सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की एक टीम ने एसटीएफ और सिवान पुलिस की मदद से सिवान के नया किला स्थित ओसामा शहाब के घर पर छापेमारी की। पुलिस ओसामा के कथित ड्राइवर हसन को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन हसन फरार होने में कामयाब रहा। डकैती कांड में हसन की संलिप्तता सामने आई है। रानीगंज थाना क्षेत्र के एनएसबी रोड स्थित सेनको गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती के तार अब सिवान के पूर्व बाहुबली सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की एक टीम ने एसटीएफ और सिवान पुलिस की मदद से सिवान नगर थाना क्षेत्र के नया किला स्थित ओसामा शहाब के घर पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि डकैती कांड में गोपालगंज जिले के हथुआ के निवासी हसन नामक आरोपी की संलिप्तता सामने आई है। हसन कथित तौर पर ओसामा शहाब का ड्राइवर बताया जा रहा है और उसी की तलाश में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम छापेमारी करने पहुंची थी। पुलिस टीम ने चारों तरफ से ओसामा शहाब के घर को घेर लिया और अभियुक्त की तलाश की, लेकिन पुलिस को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी हसन फरार हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ पूर्व बाहुबली सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के घर में छापेमारी की खबर सिवान से लेकर आसनसोल शिल्पांचल व रानीगंज तक जंगल में आग की तरह फैल गई। ओसामा शहाब के घर के बाहर भी उनके समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। सिवान के एसीपी अमितेश कुमार ने ओसामा शहाब के घर में हुई छापेमारी की पुष्टि की और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस के तरफ से लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि रानीगंज के सेनको गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शोरूम में डकैती के मामले में सिवान के कुछ अभियुक्तों की संलिप्तता पाई गई है। इनमें हसन नाम का भी आरोपी शामिल है, जो सिवान में ड्राइवर का काम करता है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हसन सिवान के नया किला स्थित ओसामा शहाब के घर पर छिपा हुआ था। हालांकि छापेमारी से पहले ही हसन वहां से फरार होने में कामयाब रहा। वहीं सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान ओसामा के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात थी। छापेमारी के वक्त ओसामा घर पर ही मौजूद थे, लेकिन उनकी मां हिना शहाब घर पर नहीं थी। इस घटना के बाद जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गौरतलब है कि रानीगंज के ज्वेलरी शोरूम डकैती कांड में अब तक 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डकैती कांड में अब तक गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम सोनू सिंह, सूरज कुमार सिंह, शशिकांत कुमार वाली, नागेंद्र यादव, विवेक चौधरी और खालिद हुसैन हैं। इनमें से सोनू सिंह बिहार के सिवान, सूरज सिंह गोपालगंज के उचका गांव, नागेंद्र यादव छपरा जिले के मुबारकपुर और खालिद हुसैन गोपालगंज के हाथवा थाना क्षेत्र के बड़की बागी गाँव का रहने वाला है। शशिकांत को पुलिस ने अंडाल के दक्षिण खंड, विवेक चौधरी को मेघालय व खालिद को नोएडा से गिरफ्तार किया था। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 9 जून को 7 सशस्त्र डकैतों के दल ने रानीगंज के सेनको गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शोरूम में डकैती की घटना को अंजाम दिया था। डकैतों ने शोरूम में लूटपाट की थी और लगभग 1,80,00,000 रुपए के गहने लूट लिए थे। डकैती के दौरान जामुड़िया के श्रीपुर पुलिस फाड़ी के प्रभारी मेघनाथ मंडल के साथ डकैतों की मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में पुलिस अधिकारी मेघनाथ मंडल की गोली से डकैत सोनू सिंह घायल हो गया था। बाद में पुलिस ने डकैती कांड में शामिल सोनू सिंह को झारखंड के गिरिडीह के पास जंगल से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया था। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज शहर के बीच बनकर तैयार है अत्याधुनिक आवश्यक सुविधाओं से परिपूर्ण दामोदर रेसिडेंशियल कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। दामोदर रेसिडेंसी के 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको मिलेगी हर तरह की जरूरी सुविधाएं। सुरक्षित और खुले वातावरण के इस रेसिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेगी 1207 स्क्वायर फीट से लेकर 1639 स्क्वायर फीट के 3 BHK फ्लैट्स। इसके साथ आपको मिलेगी डबल लिफ्ट, पार्किंग स्पेस, स्विमिंग पूल, जिम्नासियम और कम्युनिटी हॉल की सुविधा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9614147280, 9832228748।